अज आप गल कर रहे हैं डी लिंक का 615 राउटर ते 4C राउटर एम आई का, ठीक है। ये बारे आप इनफॉर्मेशन देवे, आप यूज़ कर लिया 15 दिन तो यूज़ कर रहे हैं आप पिछले तो, यदि स्पीड ये वरतों का हों गा जदों अपने घर के किसी साइड पर भी वाईफाई का सिग्नल घट हों तो आप इनक्रीज कर सकते हैं। जदों भी आप मान लो कितने सिग्नल वीक आ रहा है तो आप उत्थे ला देंगे, पर इनू लाओ उत्थे जिथे स्ट्रोंग सिग्नल आ, फिर भी जिथे एक दो सिग्नल आ रहे ने उत्थे ला दोगे तो वधिया तुहानू स्पीड देवेगा। यह इन तुसी इंस्टॉल करना बहुत सौखा गा, सिर्फ 850 रुपए का यह राउटर आ। जे तुसी ऑनलाइन लेना चाहते हो मैं दा लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच पा दांगा, तुसी उत्थों परचेज कर सकते हो। मैं तुहानू दसदा इहदे बारे पूरी इनफॉर्मेशन भी तुसी किवें इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये मिलता की आ, तो इनू किवें आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का वाईफाई की रेंज बढ़ाने लई वरत्या जांदा गा। आओ आप वे अज अपने कोले दो राउटर ने, ठीक है। एक हैगा अपने कोले डी लिंक का DIR 615 ते दूजा गा MI राउटर 4C, ठीक है। दोनों की स्पीड 300 हाई स्पीड आ, मतलब 300 MBPS हाई स्पीड तक वर्क कर सकते हैं। इन्हां दोनों बारे थोड़ी थोड़ी इनफॉर्मेशन देवांगा। आ राउटर आप यूज़ कर लिया गा, ये यूज़ करन तो बाद 15 दिन यूज़ करिया, इहदी मैनू प्रोपर पता गा भी किवें स्पीड दे रहा, किन्ना नैटवर्क अप करदा गा, ये पूरी इनफॉर्मेशन देवांगा। इहनू आपां अलग एक वीडियो दे विच रिव्यू करांगे। इहदे दोनों विच डिफरेंस ये आ, इहदे विच 4 एंटीना ने ते इहदे विच सिर्फ 2 एंटीने नेगे। पर जिहड़ा ये राउटर हैगा ये आपां नूं ऑनलाइन 850 रुपए का मिल जाता, तो यह तकरीबन 1000 रुपये का मिलता। पर आप अज इनू अनबॉक्स करते हैं, ये बारे दसदे हैं किन्नी स्पीड इनक्रीज करता, कितों यह नैटवर्क पिक कर सकता गा, दोनों चीज़ें दसदे हैं। पहले अनबॉक्स करते हैं, ये आपको मिलता की आ, ये आप चेक करते हैं। ये अनबॉक्स करने लिए आप देखते हैं ये की मिल रहा आपको। ये राउटर हैगा इनू आप यूज़ करना हो, मान लो भी अपनी स्पीड घट आ रही हैगी, उ मान लो अपने को नैटवर्क बहुत घट आ रहा, ये फीचर सारे दिते हुए सपोर्ट की करता गा, नैटवर्क प्रोटैक्शन हैगी, ये BPS हैगा गा, लैन केबल भी सपोर्ट करता गा, ड्यूअल PPO टैलीफोन नाल अटैच हो जाता, वो कर सकते हैं आप ये राउटर नाल। तो इनू आप यूज़ वाईफाई ना भी कर सकते हैं, तो प्लस इनू आप लैन केबल ना भी कर सकते हैं। इनू आप यूज़ करते 15 दिन हो गए, वधिया स्पीड दे रहा है ये। तो इस तो अलावा ये मिलने वाली चीज़ा, ये गाइडलाइन आ, ये अपन क्विक इंस्टालेशन दसी हुई है भी किमें इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट ईथरनेट ये अपन एक राउटर मिल रहा, पावर अडाप्टर मिल रहा, ईथरनेट केबल मिल रही है, ठीक है। इस तो अलावा इन सैटअप करने लिए किमें करना सैटअप, सिंपल स्टैप के सैटअप भी कर सकते हो। वैसे मैं थोड़ू इतने करके भी दिखावगा भी सैटअप तुम किमें कर सकते हो। ये राउटर आदा अपना रिपीटर या राउटर बोल सकते हैं, तो ये अडाप्टर इनू सिंपल तुम लगा के जो ईथरनेट केबल आपके वाईफाई ना कनैक्ट कर सकते हो, या फिर तुम इन कनैक्ट करने लिए वाईफाई ना कनैक्ट कर सकते हो। सिंपल तरीका गा, आप वेखते हैं किमें कनैक्ट करिए, तो ये स्पीड के कि डिफरेंस आता गा, भी जोड़ा अपना पहला वाला मॉडम लगे हुआ उतों अपनी स्पीड कि मिल रही है, तो ये लाने स्पीड के कि डिफरेंस आ रहा। वैसे ये राउटर मैं चेक करेगा जिथे आपू मोबाइल के उत्ते एक सिग्नल आ रहा हों, मान लो भी आपको सिर्फ एक सिग्नल दे रहा है वाईफाई जोड़ा पहला अपना मॉडम लग्या हुआ, और उन्होंने ये अप करके फुल सिग्नल दे देता, सिग्नल स्ट्रेंथ यदि बहुत ज़्यादा है, मतलब हर कॉर्नर के उत्ते तो पूरी स्पीड देगा, पूरा तो यह नैटवर्क प्रोवाइड करेगा। आपां इहनूं एक वारी इंस्टॉल करके देखते हैं भी आपां नूं पहलां वाले राउटर ते किन्नी स्पीड देवेगा ते दूजे दे उत्ते किन्नी देवेगा। 850 रुपए का राउटर आ, इहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच पा दांगा, तुसीं उत्थों इहनूं परचेज कर सकते हो सिर्फ 850। लोकल मार्केट दे विच तुहानूं इह जिहड़ा राउटर आ इह 1000 दे तक मिल सकदा गा। आओ आपां वेखदे हां इहदी स्पीड दे विच किन्ना क डिफरेंस आउंदा। इनू आप कनैक्ट कर लेना, देखो ये पोर्ट के DC करंट ना कनैक्ट हो जाता, ये पोर्ट ने सारे जिन्हें राही तुसी आ बैन पोर्ट लगे हुआ जिथे तुसी कनैक्ट करके लैन केबल ना कर सकते हो, या फिर तुसी इदू बाद लैन केबल कनैक्ट करनी है तुसी आपदे मोनीटर नाल, जा तुसी अपने LCD नाल कनैक्ट कर सकते हो जिहड़ी इन्हां ने केबल नाल दित्ती हुई है। पहले हुण तुहानूं मैं दसदा इहदा पासवर्ड दस्सिया हुंदा, पासवर्ड इहदा बैक साइड दे उत्ते लिखिया होया, प्रोपर पासवर्ड तुसी इत्थों रीड आउट कर लेना गा, क्योंकि जदों तुसी इहनूं कनैक्ट करोगे तुहानूं पासवर्ड की जरूरत पवेगी, वो पिछे लिखा हुंदा गा, ठीक है। इहनूं आपां हुण कनैक्ट करते हैं, आ जाओ तुसी सिर्फ अपने फोन ते वाईफाई ओपन कर लेना, ओपन करन तों बाद जे इहनूं क्लिक कर लेना, क्लिक करके जिहड़ा तुहाडा उत्थे पासवर्ड आ तुसी उहनूं चैक करके उत्थों पासवर्ड पा देना, जिवें इहदे उत्ते पासवर्ड जिहड़ा 77 डिफॉल्ट पासवर्ड जिहड़ा पिछों आया होया वो सैट करना, जदों तुसी चेंज करना चाहोगे बाद दे विच तुसी उहनूं
चेंज भी कर सकते हो तो इन आप कनैक्ट करना जो कनैक्ट हो गया तो इस तो बाद यदि आई पी चेक करनी है जी इन्हों आई पी लिखी हुई है ये उत्ते प्रॉपर लिखा हुआ देखो 192.168.0.ah ठीक है आई पी इतों भी चेक कर सकते हो पर जो जो आई पी डायरैक्ट इतों कॉपी करना चाहो जो ये कनैक्ट हो गया तो आई पी इतों भी चेक कर सकते हो देखो ये आई पी डायरैक्टली सैटिंग ओपन हो गया साइन इन हो जूगा देखो सैटिंग के उत्ते जाके डायरैक्ट ओपन हो गया ठीक है फिर स्टार्ट स्टार्ट पर क्लिक करना जे तुसी वाईफाई थ्रू यूज करना चाहते फिर ओ यस से क्लिक कर देना कंटिन्यू क्लिक कर देना देखो इतने तुहानू पुछेगा भी तुसी लैन केबल नाल यूज करना चाहते हो जां तुसी वायरलैस यूज करना चाहते हो आप वायरलैसली यूज करना चाहते हैं ठीक है जी इस तो अलावा हुण इतने ये तुहानू पुछ रहा भी तुसी रिपीटर यूज करना जां वाईफाई राहीं रिपीटर ही यूज करना आप वाईफाई तो सिग्नल लेना अगे हुण इत्थे तुसी मैनुअली भी एंटर कर सकते हो तुहाडा वाईफाई पासवर्ड ते जो यूजर नेम आ पासवर्ड पर तुसी वायरलैस नैटवर्क ते क्लिक कर देना जदों क्लिक करोगे जिहड़े नीयर तुहाडे नैटवर्क शो करनगे सारे इत्थे दिख जाणगे तुहानू देखो एक गल होर आ भी जिहड़ा नैटवर्क तुहानू शो करेगा इत्थे उहदी जिहड़ा सिग्नल स्ट्रेंथ आ जिन्ना अपने मोबाइल च आउंदा उहतों वध दस्सेगा क्योंकि इह स्पीड ज़्यादा कैप्चर करता है इनू कनैक्ट कर लेना कनैक्ट करके जिहड़ा उहदा पासवर्ड तुहाडा उत्थे रख्या हुआ तुसी उह पासवर्ड इत्थे एंटर कर देना ठीक है जी एंटर करन तों बाद इनू तुसी नैक्सट कर देना नैक्सट करोगे फिर तुहानू इत्थे ऑप्शन आएगी तुसी किहड़ा डायनामिक करना चाहुंदे जां कोई भी है ना इन्हां च स्टैटिक करना चाहुंदे हो तुसी पहले ते क्लिक कर देना गा सॉरी डायनामिक ते क्लिक कर देना ठीक है ते इहदे क्लिक करन तों बाद तुसी नैक्सट कर देना नैक्सट करन तों बाद ये तुहाडा वाईफाई पासवर्ड ते जिहड़ा तुसी रखना चाहुंदे हो देखो ये आ गया ये एक्सटेंशन आ गया इत्थे तुसी आपदा कुछ भी रख सकते हो जां मतलब नेम रखना चाहुंदे हो जिहड़ा तुहानू शो करेगा उस बाद ये पासवर्ड आ पासवर्ड तुसी यही रखना चाहते हो जां तुसी इहनू चेंज करना चाहते हो इत्थे चेंज कर सकते हो आपां यही रखते हैं यूज कर सकते हैं इदू बाद आपां नैक्सट कर देंगे नैक्सट करके ये तुहाडा यूजर आई डी इहनू भरना चाहते हो मतलब इहदे विच उह आ जिहड़ी तुसी हुण पहलां आपां ओपन करिया सी उत्थे आपां नूं यूजर आई डी मंगिया करेगा ठीक है ये ज़्यादा कंपलसरी नहीं है तुसी उही भर सकते हो तो जदों भी आप पासवर्ड चेंज करना होगा तो फिर आपां नूं इसकी जरूरत पवेगी नैक्सट कर दें कॉन्फिगरेशन तुहानूं शो कर जाएगी एडमिन इहदा लॉगिन आई डी होएगी जो तुसी चेंज करना आ डिटेल तुहानूं सारी आ गई भी इहदे नाल कनैक्ट हो रहा अपलाई कर दें देखो जो ये रिब्यूट हो गया उदू बाद तुहाडे कोल आ देखो अपने कोल नाम आ गया तो प्लस इत्थे चेक करना जिहड़ा इंटरनेट वाली इंडीकेट आ ना ये तुहानूं इंडीकेटर शो करेगा चल पेगा उदू बाद आ वाईफाई वाला आ गया आ आने वाला है ठीक है ये शो कर जाएगा फिर तुसी जिहड़ा पासवर्ड तुसी रख्या सीगा उहदे नाल तुसी इत्थे कनैक्ट कर लियो डायरेक्ट ठीक है इहदे नाल कनैक्ट करन तों बाद तुसी देखो चेक करांगे आपां भी स्पीड किन्नी क आपां नूं शो करदा गा जदों आपां इहदे नाल कनैक्ट करांगे पहलां आपां इहदे नाल कनैक्ट करांगे तो फिर अपना जिहड़ा वायरलैस जिहड़ा दूजा नैटवर्क लग्गिया हुआ उहदे नाल कनैक्ट करांगे आपां इत्थे स्पीड टैसट कर लैने देखो अपन ये चंगी स्पीड दे रहा फिर भी उत्थे नैटवर्क के उत्ते ठीक है ये इहदे राही आपां चेक कर लैने आ मतलब तकरीबन तुहानू ये ब्राउजिंग दे विच जां तुसी कोई यूज कर रहे हो उहदे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आवेगी तकरीबन थोड़ी स्पीड का फर्क तो पैंदा पर जिथे नैटवर्क जीरो आ रहा सीगा उत्थों तुहानू स्पीड ये आप करके दे देगा जे तुसी इदू भी वधिया स्पीड लैना चाहुंदे आ इहदे तों ते तुसी लैन केबल का यूज करियो लैन केबल इहदे उत्ते इंसर्ट कर दिओ वो मॉडम तों लिया के इत्थे पा दिओ फिर तुहानू स्पीड जिहड़ी आ वधिया देवेगा।